जय भाई। पापा इट्स ओके यार, हार जीत तो लगी रहती है। अरे हाँ भाई, कह रहे हैं वर्ल्ड कप बोरिंग चल रहा है, पिचेस अच्छी नहीं है। सुपर ओवर करवा दूं अभी पाकिस्तान के मैच में करवा दूं, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान यूएसए में करवा दे रहा हूं और अपसेट रहने देते हैं इस मैच में, यूएसए को जितवा देते हैं। और आपका वो नीतीश कुमार का क्या चल रहा है? नीतीश कुमार, अरे पापा आपका वाला नीतीश कुमार नहीं, हमारा वाला एक दूसरा है। हाँ वो चौका लगवा दूं उससे लास्ट बॉल पे, सुपर नीतीश कुमार से चौका लगवा दे रहा हूं, न्यूयॉर्क अमेरिका की सरजमी पर लगवा दे रहा हूं। देखिए पूरी वीडियो में पाकिस्तान की बेइज्जती होने वाली है, बहुत ही एम्बैरेसिंग डिफीट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दे, दबा दे। मैच डिलीट, पाकिस्तानी क्रिकेट, वी आर लाफिंग ऑन यू, द जोक, द लाश, एवरीथिंग वाज ऑन यू। आई होप गैरी कस्टन इज सेफ, अभी तक न्यूज आ जाएगी। वैसे लास्ट टाइम, जिनको नहीं पता है, लास्ट टाइम पाकिस्तान लॉस्ट टू अ मिनो नेशन इन एन आईसीसी टूर्नामेंट इन द कैरेबियंस। अगर मेरे गैरी कस्टन को कुछ हुआ, साले हमारा वर्ल्ड चैंपियन कोच है वो, उसे अगर हाथ भी लगा दिया किसी ने, I don't think अब पाकिस्तानी किसी को हाथ पैर लगाने के लायक बचे हैं भाई। ये देख रहे हैं इस बार ये इंडिया के हाथों दो दो बार हारेंगे। सोच, ये यूएसए की जो टीम है हाँ। वो इंडियन टीम ही थी, इंडियन टीम ही है यार। अपने नीतीश कुमार भाई खेल रहे थे, पटेल भाई खेल रहे थे, हरमीत भाई खेल रहे थे, तो जयेश रवलकर, सौरभ भाई, हु हैज लेजिट रिप्रेजेंटेड इंडिया एट दी अंडर 19 लेवल। यूएसए की टीम जो पाकिस्तान को पहला है, ऑलमोस्ट इंडिया 11 ने पहला है, इंडिया ने ही पहला है, ये वैसे है कि मेन टीम आने से पहले अभी तो छोटे भाइयों ने पहला है। तो हम तो जयेश भाई को ऐसे समझ थे कि उनका ध्यान नहीं है वर्ल्ड कप में। देखो भाई, कौन कह रहा था कि वर्ल्ड कप की पिच लैंडी है, कोई कह रहा था कि भाई टाइमिंग्स लैंडी है, पाकिस्तान की टीम ने कहा कि अगर कोई लैंडी है इस वर्ल्ड कप में तो हम है यार। वो है हम हमसे बड़ा लैंडी लेके आओगे। और मैं अब सिर्फ एक उनकी ही रिप्रेजेंटेशन करना चाहूंगा कि निगाह तुम्हारी ऐसी की तेजी बेचो हुआ फ्लोरिडा में, मियामी में, बीच में बिचेस रो रही है, तुमने बेचो पाकिस्तान का प्यार कर दिया। निगाह तुम्हारी बट करना क्या है इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मतलब लिटरली एम्बैरेसिंग, इतनी बुजदिल टीम है ये, और कोई कुप्तानी है ये, कोई कुप्तानी है। बाबर आजम एक वक्त भाई उसका 33-34 का स्ट्राइक रेट था, हाउ इज ही इवन प्लेइंग T20 क्रिकेट अगेंस्ट, दिस वाज जस्ट यूएसए, कोई फाइनल नहीं है, कुछ नहीं है, पहला लीग मैच है, क्यों तेरी टांगे कांप जाती है। मोहम्मद आमिर जो पिछले साल तक भाई पीएसएल से पहले बंदा कॉमेंट्री कर रहा था, शो चला रहा था इमाद वसीम के साथ, तुमने उसको उठाया कि ये तो विराट कोहली को हरा देता है, ये विराट कोहली रोहित शर्मा को आउट कर देता है, इसको हम ले जाते हैं वर्ल्ड कप। ठीक है, उसने 19वां ओवर अच्छा डाला, कोई बात नहीं कर रहा उसके पहले चार ओवर की, भाई इसका जो दूसरा ओवर था उसमें से तीन या चार वाइड डाली है सुपर ओवर में, बेड़ा कर करवाया। तो इसकी ट्रिक पकड़ ली है भाई इंडियन ट्विटर की जनता ने। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि तुझे क्या लगा नो बॉल डालेंगे तभी डाउट होगा, मैं तो इसने कहा कि भाई क्या नया हाथी आ रहा है इस बार, वाइड बॉल वाइड डाल देता हूं, नो बॉल पे तो गाली पड़ती है भाई। कोई स्टैट निकाल के लाओ मोहम्मद आमिर ने इस मैच में कितनी वाइड बॉल डाली है, और आईसीसी प्लीज चेक करो निगाह तो। हाँ भाई, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड निकालो इसके, तो मुझे जानना ये मैच से पहले किस किस से बात पर है। एज इंडियंस भाई, आज यूएसए ने नहीं हराया भाई, नहीं नहीं, इंडियंस जैसा भाई आपको मान गए, इंडिया की दूसरी टीम ने हरा दिया ये पाकिस्तान को, एक आध तो पाकिस्तान की भी प्लेयर है इसमें। अच्छा, who hails from Pakistan? अरे यार, only Pakistanis will be happy tonight. और मतलब आज सोचो पाकिस्तान एक ऐसी टीम से हारा है जिनमें प्लेयर्स का प्राइमरी सोशल मीडिया अकाउंट है लिंक्डइन। भाई इनके प्लेयर्स NCA नहीं, MNCs में जॉब करते हैं, कोडिंग करते हैं, आधे लोग तो भाई काम करते हैं, उनका फुल फ्लेज्ड काम भी नहीं है क्रिकेट खेलना, छोटी मोटी जॉब नहीं करते है। सौरभ नेत्रवलकर की ओरेकल में जॉब है। कितने का पैकेज है भाई ओरेकल? तो मैंने यही सुना है 30-40-50-60 बड़े बड़े पैकेज ही दे दिए। और आज के मैच के बारे में अपने पापा को पता मत लगने देना। क्यों? अरे बहन जो काली बाबा के गांड मार लेंगे कि क्रिकेट भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलते हैं, टॉप की नौकरी भी और यूएस की सिटीजनशिप भी। अंडर 19 में ये पाकिस्तान से हारा, लेकिन इसने बदला लिया यूएससी की टीम में जाके, इसने बता क्या कह रहा, इंडिया की टीम में तो सिराज बुमराह भाई ये तो ले लेंगे बदला, इनकी कैसे मैं खुद गांड मारूं। ये पाकिस्तानी क्या कहते थे कि इन्होंने हमें 2022 में हरा दिया, बिल्कुल नहीं 2021 में हरा दिया 10 विकेट से, बिल्कुल अब उसका बदला हम कैसे ले रहे हैं। एक टीम नहीं भेजी है, दो टीमें भेजी है, एक हफ्ते में दो बार इंडियंस इनकी बेइज्जती करेंगे। यू कॉल इट रॉ, आई कॉल इट सौरभ भाई। सौरभ बंदा रॉ का एजेंट निकला भाई। एक है टाइगर, एक है टाइगर, एक था टाइगर 5 में, इसको ले जाओ भाई।
कोरी एंडरसन जो न्यूजीलैंड से खेलता था, जो मुंबई इंडियंस से खेला है, ही नहीं पकड़ा उसने तो, वो अभी अगर एक आउट हो जाता तो उस समय बैटिंग करने आना था, तो पाकिस्तान का चांस तो कहीं बन नहीं रहा था। एंड पाकिस्तान की जनता अगर ये थोड़ा बहुत भी शो देखती है, हमारी इनसाइट्स में आता है कि 10% जनता हमारी पाकिस्तान से है, 10% जनता हमारी पाकिस्तान से है, गोइंग टू द रॉन्ग ऑडियंस। तो भाई वासेफी की तो सारे इंडियंस ही लगते हैं मुझे, 99% वो याद। पर पाकिस्तानी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई आपने आज कल रात को कैसे सोयो, टीवी तोड़ा है आपने, फोन तोड़ा, आपने अपना सिर दीवार पे मारा है, आई एम ग्लैड कि मेरे दादाजी पार्टीशन के टाइम इंडिया आ गए थे। नहीं और सच में मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक इट्स नॉट अ डिफीट, पाकिस्तान आज हारी नहीं है, इट्स जस्ट देयर ऑडिशन की भाई ग्रीन कार्ड के लिए इस सारी भी एप्लीकेशन हमारी भी लगा दी जाए, हमें अब वापस नहीं जाना है यहाँ से। अब बात कर लेते हैं आजम खान की, 0 रन मारे एक बॉल पे, चलो तूने बॉल वेस्ट नहीं की, लोग कह रहे हैं आजम खान स्टॉप ईटिंग, एटलीस्ट ही डिडंट ईट बॉल्स लाइक हिज कैप्टन। आजम खान का देख मॉरली एथिकली बहुत सही बंदा है, ना बॉल वेस्ट करता ना फूड। और आजम खान को जब वो आउट हुए तो फैन ने, किसी ने पाकिस्तानी फैन ने बोल दिया कुछ, मोटा अच्छा हाथी बोल दिया, इसमें ऑफेंड हो गया वो बंदा, अबे यहाँ तो तू मत हो, जिम चले जा, और अगर है तो 6 पे 3 छक्के मार दे उसको, गलत प्रूफ कर दे, तुझे वो दोनों नहीं करना, मुंह छोड़ाना है बस, अग्रेशन दिखाना है ग्राउंड में, दिखा रहा है फैंस पे, उनसे लड़ रहा है भाई, जिनसे लड़ना था उनसे लड़ लेता। आजम खान को अब लेके जा रहे हो भाई, 0 रन पे आउट हुआ है, इनके रन कितने किसने मारे, शाहीन अफरीदी, जिसको इन्होंने कैप्टनसी से हटा दिया, सोचो उसने 23 रन मारे 16 बॉलों पे आज। वैसे बाय द वे इंडियन टीम के होटल के एक रूम से रोने की आवाजें आ रही हैं। And guess what, वो कमरा किसका है? मुझे नहीं पता भाई। अरे किंग कोहली का यार, उनके दोस्त पिट गए सारे के सारे। नहीं उनका शादाब खान ही था एक। आप तो scenes from NY Stadium on 8th of June, किंग कोहली ब्रो कोई नहीं यार, ये पैच हारेगा तो तू कल भी आज चुटकुले सुना लेगी मुझे भाई, किस मुंह से जोक सुनाएंगे अभी किंग कोहली को। बट दिस पाकिस्तानी टीम लुक्स लाइक अ स्टेट की टीम, भी नहीं कहूंगा गली टीम, किसने अगर हाईलाइट्स देखनी है देख लेना जाके, सुपर ओवर में वाइड आ गई, रिजवान ने थ्रो मार दिया, वो निकल गया, वो आगे हो गया, बेंच बाबर आजम कहां खड़ा है, हमने थंबनेल पे जो लिखा है जो जोकर्स नहीं है जोकर्स हैं, वो बात 100% सच है, दे आर जोकर्स फॉर अ रीजन। और एक गुजराती ने पाकिस्तान को पेल दिया, मुनाक पटेल, फर्स्ट टाइम दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस 47, मुनाक पटेल कैप्टन एंड विकेट कीपर, स्कोर्ड 50 ऑफ 38 बॉल्स, आउट हो गया उसके बाद, लेकिन भाई उसका जो काम है, काम कर जोन्स ने कर दिया भाई जोन्स ने, क्या लाइक बबूमा हिट्स लाइक बबूमा। उसके बाद नीतीश कुमार का देख लो भाई, सत्ता हिला दी भाई, इंडिया की भी हिला दी। ये ट्वीट है सागर कैजम का, नीतीश कुमार हेल्पिंग हिज गुजराती कैप्टन टू अचीव द टारगेट विद हिज लिटिल कंट्रीब्यूशन बट इंपॉर्टेंट इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन इंपैक्टफुल। अब देना पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हार गई, जिम्बाब्वे से हार गई, यूएसए से हार गई, अब इनका बस युगांडा से हारना बचा है, और युगांडा से हारने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स कहलाएंगे युगांडूज। पर आज भाई लोग सवाल उठा रहे थे यूपी की जनता पे, महाराष्ट्र की जनता पे, कि उन्होंने बीजेपी को नहीं जिताया, वो लोग लॉयल नहीं है, लॉयल्टी तो प्रूव की है पाकिस्तान ने, हाउ, जहां से सारा राशन आ रहा है, जहां से फ्री के कर्जे आ रहे हैं, जहां से मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रही है, वर्ल्ड कप के कुर्बान जाए 2 पॉइंट्स, उनको हाथ नहीं लगाना है, उस टीम को नहीं हराना है। एंड यू कॉल अस लैंडीज भाई, यू कॉल अस, यू कॉल मी, यू कॉल हिम अ लॉकडाउन किड, हमने पहले बोल दिया था अगर यूएसए अगर चेज करेगा तो दे विल हंट देम डाउन, दे विल हंट पाकिस्तान डाउन, एंड दे डिड एज वेल। अब यूएसए ग्रुप ए में टॉप ऑफ द टेबल है, किसने सोचा था भाई ये क्या वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कपिंग भाई, सच में यूएसए यार वही है, अब तुम्हें क्या लगा उन्हें सिर्फ फोन बनाने आते हैं, कोडिंग करनी आती है, सॉफ्टवेयर का, और अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ फाइनली सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है भाई, वो सीक्रेट सॉस क्या है, हाँ, इस यूएसए की जीत की। पिछले दिनों फॉरेन कंट्री का यूएस का एक बंदा इंडिया आया था, और वो क्या पी के गया था, डॉली की चाय, थोड़ी सी आई थिंक वो थैली में भरवा के भी ले गया था, वो उसने यूएस की टीम को पिलाई है, और उसके बाद पिलाई हुई है पाकिस्तानी टीम की, इट्स अ गुड सीक्रेट टी, या गुड गुड गुड। बट आज जो मैच है वो मैच है कनाडा और आयरलैंड का, तू किसको बैक कर रहा है, एक तो पता नहीं चलता कौन सा मैच आज है कौन सा कल है, कब तारीखें बदल जाती हैं। कनाडा आयरलैंड, आई एम गोइंग फॉर आयरलैंड, आई थिंक आयरलैंड कनाडा को तो पहले ही देगा, अनटिल अनलेस कनाडा भी बहुत अपना इंस्पिरेशन ले ले अपने नॉर्थ अमेरिकन नेबरहुड से। तो तुम देख लो नीतीश कुमार, आई थिंक वही है, हाँ नीतीश कुमार कनाडा में प्लेयर था, कैप्टन था कनाडा का, वो यूएसए गया भाई, उनका भी ऐसा ना कि कनाडा लैंडी कंट्री है, यूएसए इज अ ड्रीम, तो कनाडा से ड्रीम है वो उनकी लैंडी कंट्री है सोच जो हमारा थैंक्स कि तूने अपने आप को भी इंक्लूड किया यार, मैं सब इंडियंस का ही, बट आई विल बैक
जस्टिन ट्रूडो नू नहीं नहीं भाई मेरा तो वैसे दो दोस्त है जो डबलिन में पढ़ते हैं। डबलिन तो आयरलैंड में है, तभी तो कह रहा हूँ तो आयरलैंड को मैं कंफ्यूज हूँ। अब उन दो दोस्तों को सपोर्ट करूँ या उन 2000 रिश्तेदारों को जो कनाडा में रहते हैं? आई विल गो विद दो दोस्त। ओके गुड, बट ऑल ऑनेस्टली आयरलैंड हैज अ गुड चांस टू विन इट। आयरलैंड शुड विन इट। और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। हम 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की स्क्रीनिंग हो रही है दिल्ली में। अगर तुम्हें पाकिस्तान को ऐसी पिलते हुए देखना है लाइव, बहुत मजे आते हैं भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टिकट खरीद लो उसकी, मजा आ जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम हो जाएगा। गेम्स खिलाएंगे वहां पे तुम्हें, ऑफर्स देंगे, मजा आएगा। मजा आ जाएगा। हमारे साथ मैच देख लो, इंडिया से पाकिस्तान। पाकिस्तान की सोच उस दिन भी पिलाई हुई, बहुत तगड़ी पिलाई। ये एक छोटी सी वीडियो डाल के जा रहे हैं एंड में। ये माहौल रहता है स्क्रीनिंग का। अब ये माहौल अगर मिस करना है तो कोई जरूरत नहीं आने की, अटेंड करना है तो आ जाना। थैंक यू वेरी मच। वरना लाइक सब्सक्राइब और टिकट का लिंक इन द सब्सक्रिप्शन, इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कह रहा है, सॉरी भैया, वो पाकिस्तान हारी भी है, खुशी बहुत है मेरे अंदर, खुशी बहुत है। बाय द वे, वी हैव सम एक्सक्लूसिव फुटेज फॉर यू फ्रॉम द पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम एज वेल। जाते जाते वो देख के जाओ। कोच साहब, कोच साहब, कोच साहब। ओ भाई, व्हाट हैपेंड मेट, व्हाट हैपेंड? अरे आप भाई यहाँ के खोल के रखो, अपनी गांड फट जाती है यहाँ हमारी। व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड क्या? आप आई वाज स्लीपिंग। स्लीपिंग मत करो। यू थॉट आई गॉन, आई स्लीप। आप तो कह रहे थे कब जितवा देते हो आप हमें, क्यों नहीं हमारे, क्या ये हाल कर दिया आपने? कब मैं प्लेयर्स को जितवाता हूँ, तुम चूतियों को नहीं जितवाता।